ओके सो देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यस एवरीवन, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने एक बार खुद से रीडिंग तो कर ली होगी, है ना? कर लिया ना? ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार खुद से पढ़ा नहीं है। हमने स्टडी मटेरियल कवर किया था, राइट? एक बार जो पूरा हमने कवर किया था, एक बार उसको ज़रूर रीड कर लेना, और जो बैक के क्वेश्चंस थे उसको भी ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने क्लास 11th में थोड़ी सी पढ़ाई की थी उनको थोड़ा बहुत याद होगा। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, राइट? ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ईजी है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार चैप्टर का बेस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, राइट? ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि CUET का एग्ज़ाम हो रहा था अभी, है ना? अभी CUET का एग्ज़ाम हुआ है कुछ बच्चों का, आई थिंक कुछ बच्चों का भी होना है। तो क्या लगता है CUET का एग्ज़ाम क्यों हो रहा था भाई? CUET के एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ क्या था, या मेन पर्पज़ क्या है CUET के एग्ज़ाम का, कोई बता सकता है? कि सर अभी तो क्लास 12th के बोर्ड दिए हैं, सेम स्टैंडर्ड, अंशिका ने बोला कि सेम स्टैंडर्ड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्लास 12th में आपके बोर्ड्स होते हैं, है ना? पहले क्या होता था, पहले होता ये था कि क्लास 12th के ही रिजल्ट्स के बेसिस पे, बोर्ड्स रिजल्ट्स के बेसिस पे बच्चों का एडमिशन होता था। उसके बाद कुछ कंप्लेंट्स आने लग गई। क्या कंप्लेंट्स आने लग गई? कि कुछ स्टेट के जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ स्टेट के बोर्ड्स अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, कुछ अनड्यू एडवांटेज हो रहा है, कुछ ना कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी, है ना? कुछ स्टेट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, उनका एडमिशन हो रहा था, ये सुनो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई थी, ठीक है? मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, लेकिन सब बच्चों को पता है किसकी बात हो रही है ना? तो ऐसा हो रहा था। तो क्या था बेसिकली, ये हो रहा था, फेयर प्ले नहीं था कि भाई बच्चों को अगर आप बोर्ड्स के बेसिस पे क्या कर रहे हो, एडमिशन दे रहे हो, और कुछ स्टेट्स अपने बोर्ड्स का रिजल्ट एक्स्ट्रा ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो वो तो दिक्कत वाली बात है, कॉमन ग्राउंड नहीं है। क्या नहीं है आपका? कॉमन ग्राउंड नहीं है, सही बात है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए CUET लेकर आए। अब CUET का मतलब क्या है? CUET का मतलब है कि भाई एक एग्ज़ाम सबके लिए, एक एग्ज़ाम सबके लिए होगा, राइट? क्यों? ताकि आप कंपेयर कर सको, ताकि आप प्रॉपरली इवेल्युएट कर सको कि भाई कौन से बच्चे का एडमिशन किस कॉलेज में होना चाहिए। वो क्लास 12th के बेसिस पे नहीं हो पा रहा था, क्लास 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या लेकर आए, CUET लेकर आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई CUET लाने का पर्पस ये था कि यार एक ही एग्ज़ाम हो, क्या एक ही एग्ज़ाम हो जो सारे स्टूडेंट्स देंगे। अब सारे स्टूडेंट्स अगर एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे होगा क्या, यूनिफॉर्मिटी होगी। अब सब बच्चे एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी को नहीं मिलेगा, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होने वाली है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, सही बात है। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है? सर ये क्यों समझा रहे हो, अभी आता हूँ। अब मान लेते एक चीज़ बताओ मुझे, ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि क्रिकेट खेलते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते ही होगा ना भाई, कभी ना कभी तो खेला होगा, राइट? कभी ना कभी तो कुछ स्पोर्ट्स खेला होगा। अब उसमें क्या होता है, मान लो अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, अब अगर ऐसा हो जाए कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने रूल्स बना दिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने अपने रूल्स बना दिए कि भाई हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेंगे, इंडिया कह रहा है मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खेलूंगा, अच्छा ठीक है, और बाकी कंट्रीज कह रही है हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेंगे, तो मुझे बताओ क्या आप किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस किसी और कंट्री से कर पाओगे, किसी भी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस किसी और कंट्री के प्लेयर से कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि सब ने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं, सब अपने अपने चल रहे हैं, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, राइट? सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, अब मान लो कि अगर सारी की सारी कंपनीज, जितनी भी यहाँ पे बिजनेसेस हैं, जितने भी इंडिया में बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेसेस अगर ये बोलें कि हम तो भाई अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, एक कंपनी अपने मन मर्जी से अकाउंटिंग कर रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, हर कंपनी अपना ही फॉर्मेट बना रही है, कोई कंपनी कह रही है मैं एसेट को क्रेडिट करूंगी, कोई कंपनी कह रही है मैं एसेट को डेबिट करूंगी, तो क्या लगता है आपको क्या होगा, क्या आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट किसी और कंपनी से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना।
यस नो, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, राइट? अब मान लो आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप अकाउंटेंट हो, आपको करनी है, क्या करनी है, आपको 3-4 कंपनीज की अकाउंटिंग करनी है। अब एक कंपनी कह रही है नहीं ऐसा करो, दूसरी कंपनी कह रही है नहीं ऐसा करो, तीसरी कह रही है ऐसा करो, आप तो पागल हो जाओगे। सही बात है। अब मान लो आप इन्वेस्टर हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में यूजर्स पढ़े, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। मान लो आप इन्वेस्टर हो, क्या हो, इन्वेस्टर, अच्छा ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूं। अब हर कंपनी क्योंकि अपने ही अकॉर्डिंग, अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना रही है, प्रॉफिट एंड लॉस बना रही है, कैश फ्लो बना रही है, यार कैसे पता करोगे कौन सी कंपनी सही कर रही है, कौन सी कंपनी गलत कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपेयर कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना, यस नो? तो कितनी होच पोच हो जाएगी, कितनी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भाई एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। यूजर्स को इन्फॉर्मेशन को अगर प्रॉपरली यूज़ करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो क्या होना चाहिए भाई, सारे के सारे जितनी भी बैलेंस शीट बन रही है, जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस बन रही है, वो सेम रूल्स के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। और इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस लाए गए हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात बताता हूँ। तो हाँ जी, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मीनिंग प्रिंसिपल का क्या होता है, हाँ जी, क्या अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल्स तो उसका मीनिंग क्या होगा, सौरभ ने बोला है सिद्धांत, रूल्स, गाइडलाइंस, सारे ठीक है, हाँ जी यही मीनिंग होते हैं, सिद्धांत, रूल्स, गाइडलाइंस। बेसिकली क्या है, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ फ्रेमवर्क हैं कि भाई सुनिए ऐसे ही आपको बैलेंस शीट बनानी है, एसेट लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक है, उसके बाद सॉरी एसेट राइट साइड पे लिखना है, लायबिलिटी लेफ्ट साइड पे लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ये होगा, एसेट डेबिट करना है, ये सब चीज़ें क्या हो गई है, आपके रूल्स बना दिए गए हैं। तो अब क्योंकि रूल्स बना दिए गए हैं तो सब वो फॉलो करेंगे, अब सब फॉलो करेंगे तो आप इजीली सारे बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हो, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकते हो। अगर प्रिंसिपल्स नहीं होते तो कितनी दिक्कत हो जाती, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट? अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक बार थोड़ा सा बुक से देख लो, ये देखो ध्यान से सुनो, जो मैंने लाइंस हाईलाइट कर रखी है बस उसी को पढ़ने की जरूरत है। देखो, जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स। अब जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है कि भाई जो रूल्स हैं वो अब सबने एक्सेप्ट कर लिए हैं, सबने मतलब इंडिया में जितने बिजनेसेस हो रहे हैं, जितनी कंपनीज हैं, जितने भी आपके पार्टनरशिप फॉर्म है, ये सब इन्होंने क्या कर लिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। क्या एक्सेप्ट कर लिए कि भाई ऐसे ही अकाउंटिंग करेंगे, ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसे ही डेप्रिसिएशन का हम ट्रीटमेंट करेंगे, सब कुछ क्या है, सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आगे हम बताएंगे, ठीक है? प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी ऑफ अप्रोच इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल्सो इन बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑफकोर्स कि जब आप एक ही तरीके से बना रहे हो, सबकी अप्रोच सेम है, तो आपको समझने में आसानी होगी, बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है, हाँ जी एवरीवन, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन अब क्या हो चुका है मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न में क्या हो चुका है, जल्दी बताओ, कम्युनिकेशन, क्या हो चुका है, कम्युनिकेशन, कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वो क्या करनी है, आपको आगे कम्युनिकेट करनी है, क्यों, ताकि आपके यूजर जो है वो डिसीजन ले सके, क्या ले सके, डिसीजन ले सके। अब अगर आप अपने ही हिसाब से सब कुछ करते रहोगे, कोई रूल्स नहीं होगा, उनको समझ में कैसे आएगा भाई, नहीं समझ में आएगा ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। हर चैप्टर में इन्होंने ये लाइन डाल रखी होगी, ठीक है? देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। यूनिफॉर्म मतलब भाई एक ही तरीके से बनाओ ना, क्यों कन्फ्यूज कर रहे हो? जब अगर मेरे पास 4 कंपनीज की बैलेंस शीट होगी, अगर सारी अलग अलग तरीके से बना रखी होगी, तो कैसे कंपेयर करूंगा मैं कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, नहीं कर पाऊंगा ना, बात समझ रहे हो? अब हर कंट्री, मान लो आप जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं सब अपने ही रूल बना रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा नंबर वन कौन है, वर्ल्ड कप कैसे खेलोगे, आप नहीं खेल पाओगे ना, राइट? ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ क्या लिखा है, देखो, इफ एवरी अकाउंटेंट स्टार्ट्स फॉलोइंग हिज ओन नॉर्म्स एंड नोशंस, अब अपने ही मर्जी से, मन मर्जी से सब अपने मर्जी के मालिक बन जाएंगे, देन देयर विल बी अटर कन्फ्यूजन, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगी,
बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब आपके नॉर्मल जो रूल्स बनाए गए हैं, जो आपकी गाइडलाइंस हैं, जो आपके फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप गैप, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, मेन पर्पज क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंपेरिजन होना चाहिए ताकि यूजर डिसीजन ले सके, राइट। अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ गैप। हर कंट्री ने क्या कर रखा है, अपने कुछ रूल्स बना लिए कि भाई हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे ही बनाएंगे, तो उस कंट्री में बैलेंस शीट का फॉर्मेट सारे बिजनेसेस वैसे ही बनाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कुछ टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ये सब क्या है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। वैसे तो इस चैप्टर के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन तीनों इंटरचेंजेबली यूज होंगे, लेकिन एक्चुअली में मीनिंग क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स का, आपके कन्वेंशंस का। तो पहले हम आते हैं एक बार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, सिंपल सी, कि आप 12th के बाद क्या करने वाले हो, सोच लिया आपने कि 12th के बाद क्या करने वाले हो, सोच लिया क्या आपने? हाँ जी, सोचा है किसी ने? हाँ सर, CA कर तो रहे हैं, ऑफकोर्स। क्या कर रहे हो? CA कर रहे हो। मुझे बताओ CA के एग्जाम्स कब हैं, आपके CA फाउंडेशन के एग्जाम्स कब होने वाले हैं? कुछ के दिसंबर में है, कुछ के मई में है। अब आप क्या कर रहे हो, आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने। एग्जाम कब है? दिसंबर में। मुझे एक बात बताओ, अगर नवंबर में कोविड आ गया तो, या नवंबर में ऐसा कुछ हो गया कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो? हाँ जी, फिर क्या करोगे? सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, हो तो कुछ भी सकता है। क्या कल का भरोसा है? पहले भी एक अटेम्प्ट हो चुका है कि जो मिस हो गया था, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप फ्यूचर का सोच के आज पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं ना। तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप आज जो भी कर रहे हो उसमें एक बेसिक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? कि भाई आपके दिसंबर्स में एग्जाम्स होंगे, दिसंबर में एग्जाम होंगे। आप ये एज्यूम करके चल रहे हो या नहीं चल रहे? चल रहे हो ना, कि भाई दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, ऑफकोर्स होने वाले हैं। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। लेट्स से कि आपने क्या किया, आपका बिजनेस है, आप बैंक से लोन लेने चले गए। अगर जो बैंक से मैं बात करता हूँ, आप बैंक से लोन लेने चले गए, बैंक ने आपको 5 साल का लोन दिया। कितने का? 5 साल का। आपने 1 करोड़ का लोन लिया। मुझे एक बात बताओ भाई, बैंक ने 5 साल का लोन दिया है, मतलब 5 साल में आपको रीपे करना है। कल का तो भरोसा नहीं है, किसी का भी भरोसा नहीं है भाई। कल को एलियंस आ जाएं और सारे ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएं, फिर क्या होगा? अब बैंक ने आपको 5 साल का लोन दे दिया, 5 साल तक की वो क्या लेके चल रहा है कि 5 साल तक जैसा चल रहा है, ठीक है, मैं भी वहीं होऊंगा, आप भी वहीं होंगे, आप पैसे भी कमा रहे होगे, आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे पैसे रीपे भी करोगे। तो अगेन वो भी इस एजम्पशन से चल रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा, एजम्पशन लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देखो क्या होता है, अकाउंटिंग में भी जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो कुछ ऐसी एजम्पशंस होती है जो आपको एज्यूम करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एज्यूम करनी ही करनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कि भाई ये तो होगा, ये तो होना ही है, इसमें कोई आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये हो रहा है, ये होगा। नहीं, ये आप जब भी किसी कंपनी की अकाउंटिंग करोगे तो ये मानकर चलोगे कि भाई ये चीज़ें तो होनी ही है। बात समझ में आ रही है? उसको मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हर चीज़ों में कुछ एजम्पशन होती है, हर चीज़ में कुछ एजम्पशन होती है, अकाउंटिंग में भी कुछ एजम्पशन है। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन द एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्या बोला गया कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, आपकी कुछ एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। क्या assumptions हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, concepts are the basic assumption and condition which form the basis। वही मेन चीज़ क्या है, देखो इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मेन मेन मीनिंग समझना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई सिंपल assumptions जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, वो assumptions क्या होने वाली हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वही हमने पढ़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब आपके रूल्स, आपके कुछ जो आपके गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो, ठीक है। राइट, आते हैं फटाफट से अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है,
हाँ जी अकाउंटिंग कन्वेंशन। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि सिंपल सी, आपने देखा होगा कि जब आप 3-4-5 साल के हो गए थे तो सबसे पहले, जैसे ही आप मतलब 4 साल के होते हो तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चलो भाई अब इसको स्कूल भेजो। हाँ या ना, ऐसा ही होता है कि बेचारा 4 साल का नहीं होता अभी तो, खेलने की उम्र है उसकी, और स्कूल भेज देते हैं, प्ले स्कूल हो बेशक, फिर LKG में भेज देते हैं, फिर UKG में भेज देते हैं, फिर ऐसे, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, कहीं लिखा है कि स्कूल जाना ज़रूरी है? बताओ ज़रा, कहीं लिखा है क्या कि भाई स्कूल जाओ? लिखा है क्या? नहीं। अब यूट्यूब पर सब अवेलेबल है सर, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है या नहीं है? है ना भाई, यूट्यूब से पढ़ लेगा बच्चा, क्यों जाना है स्कूल? ज़रूरी है क्या भाई यूट्यूब? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब होम स्कूलिंग करते हैं, कहीं स्कूल्स नहीं भेजते, घर पे पढ़ाते हैं, लेकिन हम तो भाई सदियों से यही कर रहे हैं, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बोलने लगेगा उसको स्कूल भेज देंगे। कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं लिखा हुआ है नहीं ना, कहीं नहीं लिखा हुआ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, दिवाली पे आप क्या करते हो? दिवाली पे क्या करते हो आप? जैसे अभी दिवाली आएगी आप क्या करोगे? हाँ जी क्या करोगे दिवाली पे, क्या करते हो बताओ, बोला बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, दिवाली पे क्या करते हो? फायर क्रैकर्स, घर साफ। सौरभ ने बोला घर साफ करते हैं। सौरभ कह रहे सर हमें तो घर साफ करना होता है, पंखे वंखे साफ करने होते हैं। हाँ ये बात तो सही है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कहीं लिखा है क्या, कहीं लिखा है कि भाई दिवाली पे आपको क्रैकर्स बर्न करने हैं? कहीं लिखा है नहीं, क्यों कर रहे हैं भाई? होली पे कलर क्यों लगा रहे हैं? कहीं लिखा है क्या? मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं लिखा है। कहीं लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। सिंपल सी चीज़ है, क्या है कि भाई क्योंकि कुछ चीज़ें सदियों से चलती हुई आ रही हैं। आप जब 4-5 साल का बच्चा होगा तो वो स्कूल जाएगा, ये चलता हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है? ये चलता हुआ आ ही रहा है, ठीक है? आप इसको ट्रेडिशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो वो आगे भी चलता ही जा रहा है, वो आगे भी चलता ही जा रहा है। जो चीज़ें बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, जो कस्टम्स हैं आपके स्टार्ट हो गई थी, अब वो चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। भाई सुबह उठ के नहा लो, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद लंच, फिर डिनर, ये कहीं लिखा थोड़ी है, ये सुनो चलता हुआ आ रहा है कि भाई सुबह उठ के सबसे पहले नहाया करो। अब कुछ चीज़ें कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन क्या है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चलती आ रही है, कहीं लिखी नहीं है। सिमिलरली जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी पहली बार, तो कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी कि चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उसको देख के लोगों ने वही करना शुरू कर दिया होगा, फिर वही चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है, यस और नो? ठीक है, वही चलता हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसका बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट तो है नहीं। जैसे आपको पता होगा कंपनीज के लिए एक कंपनीज एक्ट बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। अब एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब कि आपने कुछ रूल्स लिख लिए, लिख लिया कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है, लिख लिया है, ये तो कानून हो गया, ठीक है भाई लिख लिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं लिखी नहीं हुई है। मुझे बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए है कोई एक्ट? नहीं, कोई एक्ट नहीं है। लेकिन उसकी जो बैलेंस शीट है, आप क्या करते हो आ रहे हो कि राइट हैंड साइड पे एसेट, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी, यही लिखते आ रहे हो या नहीं लिखते आ रहे? यही करते आ रहे हो या नहीं करते आ रहे? भाई मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, आप यहाँ लिखते हो लायबिलिटीज़ और यहाँ लिखते हो एसेट्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे एसेट लिख दूंगा और राइट साइड पे लायबिलिटी लिख दूंगा तो बैलेंस शीट तो तब भी मैच होगी। अगर मैं उल्टा भी कर दूंगा तो बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी बताओ? होगी ना, बैलेंस शीट तो तब भी मैच होगी। तो मुझे बताओ क्यों करते आ रहे हैं भाई? कहीं लिखा नहीं है तो क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि सब ही यही कर रहे हैं ना, बहुत टाइम से यही चल रहा है, तो चलने दो भाई, चलने दो। ये भाई क्या हो गया, ये ट्रेडिशन हो गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब क्या हो गया, दैट अकाउंटिंग कन्वेंशंस एमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। भाई ये सब करते हुए आ रहे हैं, बैलेंस शीट वैसे ही बनती है, तो क्यों मैं क्यों इसको कुछ खराब करूं, क्यों अलग करूं? जो चलता हुआ आ रहा है उसको चलने दो, सही तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? यस और नो? ठीक है। कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय बेसिकली भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस चलती आ रही हैं, बस उसको चलने दो। बात समझ में आ गई, राइट? ठीक है, देखो यहाँ पे भी उन्होंने क्या लिखा
कि इन दिस स्टडी मटेरियल द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन दे हैव बीन यूज इंटरचेंजेबली टू मीन दोज बेसिक पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन विच दिस प्रिंसिपल्स आर फाउंड. तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये अकाउंटिंग करने का फ्रेमवर्क है. बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो, अकाउंटिंग कन्वेंशन हो, ये है तो किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही पार्ट है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो गया कि भाई कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, ठीक है. अब कुछ रूल्स हैं जो लिख लिए, जैसे आपने कंपनीज के लिए लिख लिया कि भाई ये कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें जो लिखा है वही फॉलो करना है. कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लिखी गई, मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो लिखी नहीं है लेकिन सबको पता है कि भाई ऐसे ही करनी है ये चीज़ें. क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से यही चलती आ रही है. कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक एजम्पशंस हैं. क्या है? बेसिक एजम्पशंस हैं, वो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया. बात समझ में आ गई? तीनों का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस, जल्दी से बता दो. क्लियर? ओके. तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कौन से ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, राइट. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या है एंटिटी कॉन्सेप्ट? आराम से बुक से पढ़ेंगे बाद में, इनको पहले आराम से समझते हैं कि अकाउंटिंग इसका मतलब क्या होता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट का. मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ. आपने एक बिजनेस चालू किया. क्या किया आपने? आपने एक बिजनेस चालू किया. हाँ जी, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है. अच्छा 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 अच्छा, ये क्या है आपका बिजनेस है. बिजनेस का नाम क्या है? हाँ जी, कोई बता सकता है कि बिजनेस का नाम क्या है? बिजनेस का नाम है CCW. क्या नाम है? CCW. ठीक है, ओके. जो बच्चे ने बोला है ABC, ऋषभ, ABC क्या होता है भाई? CCW. क्या नाम है? CCW. ठीक है. और ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है किसने शुरू किया है? मान लेते हैं मैंने शुरू किया है. ठीक है, किसने शुरू किया? मैंने. हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल करूँगा मैं इसको शुरू. अब बिजनेस चालू जब मैं करता हूँ, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा भाई? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसे डालने पड़ेंगे. यस और नो? कुछ मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे. भाई बिजनेस चालू कैसे होगा? पैसे डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा. अब मुझे कुछ मशीन लेनी है, कुछ जगह खरीदनी है, जो भी है. मान लो मैंने कितने पैसे डाले? 10 लाख. अरे पैसे डाल दिए 10 लाख रुपये. ठीक है, अच्छा ठीक है. 10 लाख रुपीज़ डाले तो बेसिकली क्या है? 10 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करे हैं. 10 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करे हैं, बिल्कुल सही बात है. अब मैं क्या बोलूँगा? मेरे पैसे हैं, मैं जैसे मर्जी खर्च करूँ. हाँ या ना? जैसे मर्जी खर्च करूँ. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. अब मान लो मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, बहुत शौक है वैसे. ठीक है, काल्पनिक चीज़ें चल रही हैं सब, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अब अच्छा ठीक है. अब मैंने सबसे पहले चाय पी, मैं डेली चाय पीता हूँ, गरम गरम सुबह सुबह उठ के चाय पी, वेरी गुड. चाय पी रहा हूँ, बहुत बढ़िया. अब हुआ ये कि जिन अकाउंटेंट भाई सब को मैंने बुलाया, ठीक है, ये अकाउंटेंट भाई सब है. कौन है अकाउंटेंट? मान लेते हैं कि ये है CA अंशिका. क्या नाम है? CA अंशिका. ओके, अब ये मेरी अकाउंटिंग कर रहे हैं. अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि सुनिए, आपने 10 लाख रुपये जो लगाए थे ना, 10 लाख रुपये जो लगाए थे, अब उसकी वैल्यू जो है ना 9 लाख रुपये हो गई है. क्या बोला इन्होंने? कि जो 10 लाख रुपये लगाए थे वो अब 9 लाख रुपये बचे हैं. मैंने कहा क्या, अभी तो बिजनेस चालू किया है, एक ही महीना हुआ है बस, अभी एक ही महीना हुआ, 10 लाख रुपये लगाए थे, 9 लाख कैसे बच गए? मेरे 1 लाख रुपये कहाँ गए? तो इन्होंने बोला, अंशिका जी ने बोला कि सर आप 1 लाख रुपये की तो चाय पी गए. क्या बोला? कि सर आप 1 लाख रुपये की तो चाय पी गए. अच्छा, तो मैंने कहा मेरा बिजनेस, मेरी चाय, मेरा बिजनेस, मेरी चाय मैं पी गया, तो आपने मेरे कैपिटल के पैसे कम कर दिए. सर आपने क्या बोला? कैपिटल. ये जो 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट करे है ना, इसको अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. क्या बोलते हैं? कैपिटल. इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब थर्ड चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या बोल लो, जो बच्चे थोड़े साइंस वाले हैं, अभी के लिए ओनर जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, ओनर जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसके लिए एक टर्म है. क्या टर्म है? कैपिटल. क्या टर्म है? कैपिटल. अच्छा ठीक है. तो अंशिका जी ने मुझे एक बात समझाई. क्या समझाई? कि सर सुनिए, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग करने का पर्पस है कि आपको ये बताना है कि बिजनेस जो आप कर रहे हो उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो बिजनेस आपने चालू किया उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. विच मीन्स कि अकाउंटिंग किसकी होती है? हार्दिक की अकाउंटिंग नहीं करेंगे. हार्दिक घर में क्या कर रहा है? कुछ लेना देना नहीं है भाई. बिजनेस में क्या हो रहा है
सारा उसी का खेल है। अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेस की। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? देखो देखो देखो, अब मैं आपसे अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ आपसे, मैं वो पूछने वाला हूँ। क्या पूछने वाला हूँ? आपको आपको स्क्रीन पे कितने लोग दिख रहे हैं? आपको स्क्रीन पे कितने लोग दिख रहे हैं, मतलब इस बोर्ड पे कितने लोग दिख रहे हैं? स्क्रीन पे मतलब इस बोर्ड पे कितने लोग दिख रहे हैं? वाह, मेरे को छोड़ दो, ठीक है, इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कितने लोग दिख रहे हैं आपको? सब बच्चे बोल रहे हैं दो। कैसे? देखो, दो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं दो लोग दिख रहे हैं सर। कौन से दो लोग? बिल्कुल सही, दो लोग कौन से? कि सर एक तो आप हो और ये एक आपका बिजनेस है। क्या है? एक तो आप हो और एक आपका बिजनेस है सर, ये दो लोग हैं। मतलब ये कि भाई मैं जो कौन हूँ, जो आपका सोल प्रोप्राइटर या जो ओनर हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है। सर ये क्या बात हुई बेटा? अकाउंट्स में यही है, अकाउंट्स में क्या बोला गया कि अकाउंटिंग ओनर की नहीं हो रही, अकाउंटिंग ओनर की नहीं हो रही। किसकी हो रही है? बिजनेस की हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस ओनर का नहीं, बिजनेस का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? बिजनेस का। तो बिजनेस में क्या हो रहा है ये सब आपको करना है अकाउंट्स में। ओनर के घर पे क्या हो रहा है, मैं आज क्या करूंगा, मैं पार्टी में कितने पैसे खर्च करने वाला हूँ, ये सब की कोई आपको लेन देन कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है। मुझे सिर्फ किससे मतलब है? आपके बिजनेस से मतलब है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब जैसे मुझे ये पता चला, अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैंने अपने 10 लाख रुपए इस बिजनेस को दिए, हाँ इसी बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए हैं, और फिर मेरे को बोला जा रहा है कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। हाँ जी, अब इसका हिसाब कैसे होगा? तो ये बिजनेस बोलेगा, हाँ सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिजनेस बोलेगा तो बिजनेस सच में बोलेगा। तो बिजनेस ने क्या बोला? सुनो हार्दिक भाई साहब, सुनो, बिजनेस बोल रहा है, सुनो हार्दिक भाई साहब, मैंने आपके 10 लाख रुपए लिए हैं। बिजनेस ने क्या बोला कि मैंने आपके 10 लाख रुपए लिए हैं, ये 10 लाख रुपए मेरी एक लाइबिलिटी हो गई। अब एक और नया वर्ड आया, क्या आया? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो पैसे बिजनेस को रीपे करने होते हैं। एनी अमाउंट विच इज पेबल बाय बिजनेस, क्या बोला मैंने? एनी अमाउंट विच इज पेबल बाय बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अब क्योंकि ओनर को अलग फेंक दिया, ठीक है, और बिजनेस अलग हो गया, अब बिजनेस ने ओनर से 10 लाख रुपए लिए हैं, आप ये मान के चलोगे? आपको हमेशा देखो अकाउंट्स बहुत आसान हो जाएगी अगर आप ये एज्यूम करके चल लो, ठीक है, कि भाई ये एक अलग इंसान है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। क्या बोला मैंने? ये एक सेपरेट एंटिटी है और आपका ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब आप सिंपल, ओनर अगर बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो पैसे वापस करेगा। किसको? ओनर को। ऑफकोर्स ओनर पागल थोड़ी है, ओनर ये 10 लाख रुपए जब चाहे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, ऑफकोर्स वो जब चाहे वापस मांग सकता है, राइट। तो ये बिजनेस की क्या हो गई है? लाइबिलिटी। क्या हो गई है? लाइबिलिटी। क्या इतनी बात समझ में आई है सबको कि लाइबिलिटी क्यों हो गई है? ऑफकोर्स लाइबिलिटी हो गई है। तो इसका मतलब जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? आपकी एक लाइबिलिटी होती है। जो कैपिटल होता है, बेशक आप कोई भी बिजनेस मान लो, आप सोल प्रोप्राइटर मान लो, आप पार्टनरशिप मान लो, या आप कंपनीज वगैरह कुछ भी मान लो, उन सब में जो भी आपका कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ओनर ने पैसे बिजनेस को दिए हैं, वो जब चाहे निकाल सकता है, विच मीन्स बिजनेस को वो पैसे जब भी ओनर मांगेगा वो देने होंगे, वापिस देने होंगे, बिजनेस खुद नहीं रख सकता। बात समझ में आई इतनी, राइट? तो इसका मतलब ओनर अलग, बिजनेस अलग, और ये आप हर बिजनेस में एज्यूम करके चलते हो, कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, कि भाई जैसे कोई एक्ट नहीं बना हुआ जिसमें लिख दिया हो सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट में लिख दिया हो, नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? एज्यूम कर रहे हो कि भाई ये तो बिजनेस में होगा ही। आप मान लो किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करोगे, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करोगे, या किसी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करोगे, तो आप ओनर से पूछने नहीं जाओगे कि सुनो तुम्हारा और बिजनेस का रिश्ता कैसा है, क्या तुम अलग अलग हो या तुम एक हो चुके हो, नहीं ना, ऐसे तो नहीं पूछने जाओगे ना। आप क्या बोलोगे कि भाई सिंपल है, मुझे पता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स।
और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट। कहाँ लिखा है ये आपके एंटिटी कॉन्सेप्ट में लिखा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर को अलग रखो, उसको अलग रखो। अगर ओनर ने चाय पी है, अब देखो ओनर ने चाय पी थी 1,00,000 रुपए की, देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो। अब अगर ओनर ने 1,00,000 रुपए की चाय पी थी तो भाई सुनो, अब बिजनेस क्या बोलेगा, अब सोचो सोचो बिजनेस क्या बोल रहा है। बिजनेस बोल रहा है मेरी चाय है, मैंने बनाई, बिजनेस की चाय, बिजनेस चाय बेचता है। अगर ओनर ने 1,00,000 की चाय पी ली तो बिजनेस क्या बोलेगा कि सुनिए आपने मुझे 10,00,000 रुपए दिए थे जिसमें से आप मेरी 1,00,000 रुपए की चाय पी चुके हो, तो इसका मतलब मैंने आपको और कितने पैसे देने हैं, 9,00,000 रुपए। हाँ या ना, इस 9,00,000 रुपए का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था 9,00,000। एवरीबडी यस और नो, कि भाई ओनर ने बिजनेस को 10,00,000 रुपए दिए थे, अब अगर बिजनेस की 1,00,000 रुपए की चाय वो पी गया तो 9,00,000 बचे। अब ये जो चाय पी गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी ले ले, वो पैसे हो सकते हैं, वो कोई गुड्स हो सकते हैं, वो एसेट्स हो सकते हैं, कुछ भी अगर बिजनेस का ले ले अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। यहां पर ओनर ने बिजनेस का क्या लिया है, गुड्स। गुड्स मतलब जो भाई जिस चीज का आपका बिजनेस है, बिजनेस किस चीज का, बिजनेस चाय बेचने का। तो अगर ओनर ने चाय ले ली, अब उसने मतलब मान लो दोस्तों वोस्तों को बुला लिया कि भाई चलो आराम से बैठ के चाय वाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, मैच देखेंगे, तो भाई वो बिजनेस क्या बोलेगा कि ड्रॉइंग्स हो गई तेरी, क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो चुकी है। तो इसका मतलब ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, बोलो हाँ या ना। ड्रॉइंग्स ने क्या किया, ड्रॉइंग्स ने कैपिटल को कम कर दिया, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल को कम कर दिया मतलब बिजनेस की लायबिलिटी को कम कर दिया। अब बिजनेस की लायबिलिटी मतलब कि बिजनेस ने जो ओनर को पे करने थे, ओनर को पे करने थे कितने, 10,00,000 रुपए। अब क्योंकि ओनर एक तरीके से बिजनेस से 1,00,000 रुपए ले चुका है, तो इसका मतलब बिजनेस ने 1,00,000 रुपए पे कर दिए, मतलब 9,00,000 रुपए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अभी बहुत सारे बच्चों, जैसे अभी 12th के बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, तब भी बच्चे पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं। तो कैपिटल को हमेशा हमेशा आप क्या मान के चलोगे कि बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है। ओनर जब भी बिजनेस से कुछ ले लेगा पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमेशा उसके कैपिटल को कम हो जाएगी, कम कर देगी। ड्रॉइंग्स है वो। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बहुत ही बेसिक चीज है। अदिति, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज इज ड्रॉइंग्स, उसको ड्रॉइंग्स ही बोलेंगे। अगर उसने कैश विड्रॉ किया है अपने बिजनेस के लिए ही, मान लो अब बिजनेस में एक मशीन की जरूरत है, तो ओनर ने पैसे बिजनेस से निकाले हैं मशीन लाने के लिए, वो ड्रॉइंग्स नहीं है, क्योंकि भाई बिजनेस के लिए ही तो पैसे निकाले हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो उसको घर पे PS5 चाहिए कि भाई PS5 खेलेंगे, तो वो आपका पर्सनल यूज हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आ जाओ एंटिटी कॉन्सेप्ट पे आओ फटाफट से। देखो ओके 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 राइट, देखो ये हो गया कि दोनों अलग हैं, बिल्कुल दोनों अलग हैं। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर। अगर आपने उन दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ओनर के पर्सनल एक्टिविटीज़ का कोई भी इफेक्ट बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। बिजनेस की एक्टिविटीज़ अलग हो जाएगी, ओनर की एक्टिविटी अलग हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, राइट, ठीक है। अब बात यह है कि भाई ओनर 10,00,000 रुपए क्यों लगा रहा है, ओनर को क्या मिलेगा, ओनर 10,00,000 रुपए क्यों लगा रहा है भाई, ओनर 10,00,000 रुपए क्यों लगा रहा है, क्योंकि ओनर को क्या चाहिए, ओनर को उस कैपिटल पे रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो। इसका मतलब बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट भी किसको देना है, आपको, ओनर को देना है। बिजनेस वो प्रॉफिट अपने पास नहीं रख सकता भाई,
वो बिजनेस का नहीं है, वो किसका है, वो ओनर का है, किसका है, ओनर का है। तो ये प्रॉफिट, अब मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो 11th 12th में थोड़ा पढ़कर आए हैं, ठीक है, सिर्फ उन बच्चों से। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे अगर आप अभी पार्टनरशिप फर्म पढ़कर आए हो, कुछ भी, अगर आपको याद हो, प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो आप बैलेंस शीट में किस साइड लिखते थे? लाइबिलिटी साइड। याद है किसी को? हाँ जी, किसी को याद है कि अगर प्रॉफिट, जब तक बिजनेस, जब तक प्रॉफिट पार्टनर्स में, या सिंपल बोलता हूं ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था, जब तक ये, मान लो बिजनेस ने 10 लाख रुपए में, बिजनेस ने मान लो 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, कितने का? 5 लाख का। अगर बिजनेस ने ये 5 लाख रुपए ओनर को नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए? अगर ओनर को नहीं दिए तो बेटा वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है? लायबिलिटी। सर क्यों? क्योंकि क्या ये ओनर, क्या ये बिजनेस का है? नहीं, ये भी तो वो पैसा है जो उसको पे करना है। किसको करना है? ओनर को करना है। किसको करना है? ओनर को करना है। बात समझ में आ रही है? राइट, यही लॉजिक होता है कि आप लायबिलिटी। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर प्रॉफिट तो एसेट होना चाहिए, प्रॉफिट तो एसेट, प्रॉफिट तो बढ़िया चीज है। बेटा आप ये देखो कि प्रॉफिट ओनर का नहीं है, प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, किसका है? ओनर का है। किसका है? ओनर का है। आप बैलेंस शीट किसकी बनाते हो? आप बैलेंस शीट बनाते हो बिजनेस की। किसकी? बिजनेस की। तो बेटा बिजनेस के लिए तो वो भी क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो किसको देनी है? ओनर को देनी है। ये बात समझ में आई है एवरीबडी? राइट, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट से ओनर का कैपिटल इंक्रीज होता है? बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट से ओनर का कैपिटल इंक्रीज होता है भाई। जब तक ओनर वो पैसे बिजनेस से निकाल ना ले तब तक तो उसका कैपिटल इंक्रीज है, क्योंकि लायबिलिटी है। बात समझ रहे हो? राइट, मान लो मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं कि मान लो बिजनेस में ओनर ने 10 लाख रुपीस लगाए, ठीक है, अभी बिजनेस में 10 लाख रुपए हैं, तो ये लायबिलिटी है। हाँ जी, ठीक है। अब बिजनेस ने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, तो ये प्रॉफिट जो है, जब तक ओनर उसमें पैसे निकाल नहीं लेता, मतलब वो 5 लाख रुपए घर लेके नहीं जाता, तब तक तो वो क्या है? लायबिलिटी है। तो इसका मतलब अब ओनर ने बिजनेस से कितने पैसे लेने हैं? 15 लाख रुपए लेने हैं। क्या ये बात समझ में आई है कि 10 लाख रुपए जो उसने इन्वेस्ट करे, 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे, बिल्कुल सही, और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया, तो इसका मतलब ओनर ने बिजनेस से कितने पैसे लेने हैं? 15 लाख। ये 15 लाख बिजनेस के लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। आई होप अब आपको थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रांग हुआ होगा जो 11th में अगर छूट गया था तो। क्लियर है एवरीबडी? ठीक है, क्लियर। अब एक बार आते हैं फटाफट से हमने स्टडी मटीरियल पे, देखो क्या लिखा है। देखो ध्यान से कुछ एग्जांपल्स हैं, हमें भाई स्टडी मटेरियल का एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जांपल छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ना। देखो, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग सेवन लाख, ठीक है, 7 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे, मतलब 7 लाख रुपीज क्या है? कैपिटल। 7 लाख रुपीज कैपिटल है, ओके। विद विच ही परचेज मशीनरी फॉर 5 लाख। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 7 लाख रुपए उसने बिजनेस को दे दिए। देखो, एक चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये ओनर है, ये बिजनेस है, ठीक है। ओनर ने बिजनेस को 7 लाख रुपीस दे दिए, तो इसका मतलब अब बिजनेस के पास कितने पैसे हैं? अब बिजनेस के पास 7 लाख रुपीस है। अब इस 7 लाख रुपीस से बिजनेस जो चाहे वो करे, बिजनेस 7 लाख रुपीस से जो चाहे वो करे, उससे उसका कैपिटल इफेक्ट नहीं होता। यस और नो? कैपिटल थोड़ी इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस के 7 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब बिजनेस जो चाहे वो करे, बट बिजनेस को 7 लाख रुपए ओनर को देने हैं, इतनी सी बात है, ठीक है। विद विच ही परचेज मशीनरी फॉर 5 लाख, तो बिजनेस की 5 लाख रुपए की क्या आ गई है? मशीनरी आ गई। क्या आ गई है? मशीनरी आ गई है। अच्छा, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सिंपल, कि भाई बिजनेस के लिए एक तो 7 लाख रुपीज की लायबिलिटी है। बोलो हाँ या ना। बिजनेस के लिए 7 लाख रुपीस का कैपिटल एक लायबिलिटी है, और उसके पास बैंक में 7 लाख रुपीस आ चुके हैं। ऑब्वियस ही बात है, एक तो 7 लाख की लायबिलिटी हो गई और 7 लाख रुपए बैंक में आ गई, ठीक है। अब इस 7 लाख रुपीस में से उसने क्या किया? इस 7 लाख रुपीस में से उसने 5 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी है। क्या खरीदी है? मशीनरी।
भाई अगर 5 लाख की मशीनरी खरीदी है तो बैंक में से 5 लाख तो चले गए, बैंक में से 5 लाख तो चले गए, बैंक में कितने बच गए? 2 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो सिंपल है कि कैपिटल तो 7 लाख का ही है। ओनर ने अगर बिजनेस को 7 लाख रुपए दे दिए तो कैपिटल 7 लाख का है। अब उस 7 लाख का क्या किया? 5 लाख की मशीनरी खरीद ली और 2 लाख रुपए अभी भी आपके पास कैश में है या बैंक में है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एवरीवन इतनी बात समझ में, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट फटाफट से, कोई डाउट नहीं है, क्लियर? ओके ओके ओके। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है कि भाई दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे क्या है आपका? बिजनेस। ओज, ओज का मतलब क्या है? लाइबिलिटी, कि देने हैं पैसे, देने हैं, पेबल। अच्छा, ओज टू मिस्टर एक्स 7 लाख, मतलब बिजनेस ने 7 लाख रुपए मिस्टर एक्स को देने हैं। ऑफकोर्स कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। वही बात बोली है, कुछ अलग नहीं बोली। नाउ 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 आगे क्या बोला? इफ मिस्टर एक्स स्पेंड्स 5,000 रुपीज टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसिस फ्रॉम द बिजनेस फंड। अच्छा सुनो, आगे नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, सुनो। अगर 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 ओनर ने 5,000 रुपये अपने फैमिली के लिए खर्च कर दिए बिजनेस में से, तो पहली चीज मुझे बताओ, एक तो बिजनेस का कैश कम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? भाई अगर बिजनेस के पैसे खर्च करे हैं तो बिजनेस में जो 2 लाख रुपए थे उसमें से उसका कैश कम हो गया? बिल्कुल हो गया, यस। दूसरी चीज, बिजनेस क्या बोलेगा? अरे भाई साहब, आपने अपने फैमिली के लिए 5,000 रुपये लिए हैं, मतलब बिजनेस क्या बोलेगा कि आपका कैपिटल का बैलेंस भी कम कर रहा हूं मैं। हाँ या ना, कैपिटल मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी कम हो गई। क्या हो गई? लाइबिलिटी। बिजनेस क्या बोलेगा? अब मैंने आपको 7 लाख नहीं देने, 7 लाख में 5,000 कम देने हैं, विच मीन 695 देने हैं। बात समझ में आई है? तो अब बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? देखो 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 कैसी दिखेगी। एक तो अपने कैपिटल में से ड्रॉइंग जो 5,000 रुपये की है वो क्या है? आपकी ड्रॉइंग्स है। तो कैपिटल कितना हो गया? 695। मशीनरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैश भी तो चला गया ना बिजनेस का, तो अब कैश कितना हो गया आपका? 195। क्लियर? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लेकिन बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आगे मजा आएगा, ठीक है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्लियर है एवरीबडी? क्लियर है? राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही, अगेन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं सिंपल सी आपसे बात पूछता हूँ, हम बुक से पढ़ेंगे बाद में, पहले इस पे आते हैं। देखो मान लेते हैं आप कौन हो? आप मेरे बिजनेस के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आप कौन हो? मेरे बिजनेस के चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? अब आप आए हो ये निकालने के लिए कि भाई कितना प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कमाया। तो मैं पता क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस साल मतलब 2021-22 में, मैं अपने मतलब आपको बता रहा हूँ, आप जो सीए हो, ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो। मैंने इस साल 2 लाख चाय बेची है, 2 लाख कप्स, 2 लाख कप्स ऑफ टी, ठीक है, टी कॉफी जो भी है, ओके। मैंने 2 लाख कप बेची है, वाह क्या बेचा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने ना 10 एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है। एम्प्लॉयज़ भी तो रखने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स रखने पड़ेंगे, बढ़िया सी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ मैंने रेंट भी पे किया 1 लाख रुपये का, बहुत ही बड़ी सी जगह मैंने ले रखी थी, मैंने 1 लाख रुपये का रेंट पे किया है, अच्छा ठीक है। मैंने एक्चुअली 2 मशीन ले रखी है, अलग अलग फ्लेवर की चाय बनाता हूँ मैं, अच्छा ठीक है। ये सब मैं किसको बता रहा हूँ? सीए को। तो मुझे एक बात बताओ, आपको मैं बता रहा हूँ और आपको मैंने क्या बोला कि हाँ जी बताइए कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, बोलो, अरे बताओ कितना प्रॉफिट कमाया, अरे तुम बता नहीं रहे हो, बताओ भाई कितना प्रॉफिट कमाया मैंने। ऋषभ कह रहा है, ऋषभ ने क्या बोला, 1 की वैल्यू, 1 रुपये कमाया, ये क्या बात है। हाँ जी कितना प्रॉफिट कमाया मैंने, जल्दी बोलो, कोई बता नहीं पा रहा है, बताओ। मैंने इनको सीए बनाया, ये मेरा प्रॉफिट नहीं बता पा रहे, पैसे तो बताओ, सैलरी नहीं दी है, सैलरी दी है 10 एम्प्लॉयज़ को, सैलरी दी है भाई, दी है मैंने सैलरी, हाँ जी, कोई नहीं बता पा रहा, क्यों नहीं बता पा रहा,
क्यों नहीं बता पा रहा? अरे यार ये क्या है, 2 लाख रुपए, 2 लाख कब भेज दिया, 10 एम्प्लॉय को ये दे दी, कैसे बताऊंगा भाई? इन सब की क्या होनी चाहिए, इन सब की एक कॉमन कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। कॉमन वैल्यू मतलब कि भाई जिसमें आप क्या कर सको, इसको मेजर कर सको। मेजर कर सको मतलब कि भाई इन सब की आप क्या निकालो, इन सब की मॉनेटरी वैल्यू तो निकालो। क्या निकालो? मॉनेटरी वैल्यू तो निकालो। अब जब तक आपके पास मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मनी में वैल्यू नहीं है, राइट, कैसे बताओगे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस? यस और नो? तो जितने भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब को आप क्या करते हो, मनी में मेजर करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या हो गया, एक मेजरिंग यूनिट हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सब को, ये 2 लाख कप्स ऑफ टी है, कप। अब क्या इन सब को आप कप में मेजर कर सकते हो? नहीं। आपने एम्प्लॉयज को कुछ पैसे दिए, कितने नहीं पता, रेंट का आपको बता रखा है कि 1 लाख रुपए दिया। 2 मशीन खरीदी, अरे 2 मशीन कितने की नहीं पता ना, बिल्कुल नहीं पता। तो बस सिंपल सी बात है, क्या बात है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी है उनको मनी में मेजर करना है। अरे जब तक आप मनी में मेजर नहीं करोगे दोस्त, तब तक एक कॉमन डिनोमिनेशन नहीं आएगा। कॉमन डिनोमिनेशन मतलब जिसमें आप सब चीज़ को मेजर कर सकते हो। जब सारी चीज़ों का आपको मेजरमेंट चाहिए तो एक कॉमन डिनोमिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो कॉमन डिनोमिनेशन क्या होगा? आपकी मनी वैल्यू। क्या होगी? मनी वैल्यू। तो भाई जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको क्या करो, उसको आप मनी में मेजर करो। चलो मेजर कर दिया। अब मैंने कहा ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, मैंने 2 लाख कप बेची, कितने की बेची? 20 लाख की, 10 रुपये के कप था। ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ को मैंने सैलरी दी है 4 लाख रुपीज़ की, अच्छा ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का मैंने रेंट पे करा है, अच्छा ठीक है। 2 मशीन मैंने खरीदी है, कितने की मैंने 2 मशीन खरीदी है? कि लेट से मैंने 2 मशीन खरीदी है 5 लाख रुपये की। और फिर आपने क्या बोला, फिर आपने बोला कि तुम्हें पता है मैंने एक नया शोरूम भी खोला है, 1 न्यू शोरूम, वेरी नाइस, ठीक है, आउटलेट बोल सकता हूँ मैं उसके, उसको पता है। उसके बाद पता है मैंने क्या किया, इस बार मैंने एक न्यू को-फाउंडर, ठीक है, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ को-ओनर रख लिया है, पार्टनर रख लिया है, पार्टनर, अकेले नहीं हो रहा था मुझसे, मैंने पार्टनर रख लिया। अच्छा, अब मैंने ये बताया तो आप मुझसे क्या पूछोगे, एक नया शोरूम खोला, इसकी मनी वैल्यू वगैरह? मनी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी सब कुछ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने नया शोरूम खोला है, मैंने एक नया को ओनर रख लिया है, हमारा एक नया पार्टनर आ गया है। क्या इस नया को ओनर जो आपने रख लिया है, क्या इसको मनी में मेजर रख सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो? आपने एक अपना पार्टनर रख लिया है, इसको कर सकते हो? नहीं। तो सीए क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? सर इसको छोड़ो, ये कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते ना दोस्त। अगर आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, अब देखो एक नया पार्टनर आ चुका है, बिजनेस में नया पार्टनर आ गया है, उससे मेरे बिजनेस को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत ज़रूरी है वो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि भाई जितना भी ज़रूरी हो, अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रांजेक्शंस इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस मटीरियली, ऑफ कोर्स, मैंने मान लो एक ऐसा बिजनेस पार्टनर रख लिया जो बहुत फेमस है, ठीक है, वो टेक्निकल मतलब वो टेक में तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएगा कि आपके घर में गरम गरम चाय पहुंच जाएगी, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। लेकिन मैं फिर भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद एक चीज़ क्या होती है कि भाई मान लेते हैं आपने क्या सोचा कि यार सुनो रुपीस में ना मज़ा नहीं आ रहा, क्या बोला आपने, रुपीस में मज़ा नहीं आ रहा, डॉलर में मज़ा आएगा। अगर मैं, आपने सोचा अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉलर में बनाऊं, किस में बनाऊं, डॉलर में, अरे 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 क्या मज़ा आ जाएगा कि भाई ये तो क्या बढ़िया बिजनेस है, इसका तो प्रॉफिट डॉलर में आ रहा है। होता या नहीं होता कि वाह तुम तो डॉलर में कमा रहे हो, होगा या नहीं होगा, राइट? तो आपने बोला यार इसको डॉलर में कन्वर्ट करो ना, क्या कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, क्या बोला मैंने कि जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो वहां की जो रूलिंग करेंसी है, वहां की जो रूलिंग करेंसी है, यहां की कौन सी रूलिंग करेंसी है, रुपीस।
क्या है रुपीज, आपको उसी में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना होता है। आपने डॉलर में, अब देखो आपने डॉलर में बना ली, बाकी बिजनेसेस का रुपीज में है, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, कर पाऊंगा क्या? बोलो भाई, आपने अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर्स में, आप क्या बोल रहे हो यार, मनी वैल्यू में रिकॉर्ड करना था, ठीक है मनी वैल्यू में रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन किसी और करेंसी में कर रहे हो, नहीं वो भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या आपकी जो मेजरिंग यूनिट है, मेजरिंग यूनिट वो क्या होनी चाहिए, करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो दोस्त, तो रुपीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अब आपके पास एक डाउट आया, क्या डाउट आया, सर अगर मैंने अपने गुड्स अपनी सर्विसेज बाहर यूएस में, मान लो मैं आपने अमेरिका में बेची, तो वहां से पैसे तो डॉलर में आएंगे, बोलो हाँ या ना भाई? वो तो आपको डॉलर में पे करेंगे, तो वो तो मैं डॉलर में दिखा सकता हूं क्या? नहीं, जो आपके पास डॉलर में या किसी भी फॉरेन करेंसी में पैसे आ रहे हैं, किसमें, फॉरेन करेंसी में पैसे आ रहे हैं, उसको आपको क्या करना होता है, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है रुपीज में। क्या करना होता है आपको कन्वर्ट करके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई देखो क्या करना है, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो रुपीज में आप दिखाओगे। बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड कंपैरिजन विद अदर कंपनीज के डॉलर में। समृद्धि, अगर आपका बिजनेस बाहर नहीं है, ठीक है सिर्फ इंडिया में है, आपका बिजनेस बाहर नहीं है, आपका कोई और कंपनी बाहर नहीं है या आउटलेट बाहर नहीं है, तो आपको डॉलर में बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं होती है। कुछ कुछ कंट्रीज के लिए कंपल्शन होती है कि भाई वो, और उनके लिए कंपल्शन ये होती है, कंपल्शन ये होती है कि भाई रुपीस में तो बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं होगा कि रुपीस में छोड़ दो और सिर्फ डॉलर में बनाओ, नहीं, रुपीस में जो रूलिंग करेंसी है उसमें तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही होती है। लेकिन अगर जो मैंने आपको बोला, जो कंपल्शन किसी किसी एमएनसीज के लिए, किसी किसी कंपनीज के लिए होती है कि वो क्या करेंगी, वो फॉरेन करेंसी में भी बनाएंगी, तो वो फॉरेन करेंसी में भी बनाएंगी, लेकिन रूलिंग करेंसी में तो बनानी बनानी है। बात समझ में आ गई? राइट, ठीक है। अंशु क्या कर रहे हो बेटा? ठीक है देखो, बात समझ में आ गई? राइट, ये है आपका, क्या ये आपका हो गया आपका मॉनेटरी, जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एक डिसएडवांटेज, एक ड्रॉबैक क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई सिंपल सी बात है। क्या बात है? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स, इस कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्या बोला मैंने, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई बिजनेस के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एसेट्स हैं। यार ये तो बहुत बड़े एसेट्स हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स आपका बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयज़ आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, तो आपका बिजनेस बढ़िया, सिंपल सी बात है। बिजनेस मतलब आपके लोग, अगर लोग अच्छे हैं, टीम अच्छी है, ठीक है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये पक्की बात है, राइट। लेकिन क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज के एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब जिस वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आप उस वजह को, उस रीजन को अपने बैलेंस शीट में दिखाई नहीं पा रहे हो। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बात समझ में आ गई? दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एवरीबॉडी? राइट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और कंप्लीट करते हैं फटाफट से, आ जाओ, आज एक कॉन्सेप्ट और कर लेंगे। देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आराम से समझेंगे, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, कि पहले थोड़ा सा कहानी पे चलते हैं, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो आप, ठीक है, ये कौन है, ये आप हो, मान लेते हैं अदिति की बात कर लेते हैं। अदिति ने क्या किया, अदिति ने एक बिजनेस शुरू किया, अदिति ने एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, राइट। अदिति किस चीज़ का बिजनेस करना है आपको, मान लेते हैं अदिति ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑल राइट, लेट से कि क्लोथिंग का बिजनेस किया, बहुत ही फैशनेबल क्लोथ्स, ओके, ट्रेंडिंग क्लोथ्स, क्लोथिंग का बिजनेस शुरू किया अदिति ने। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी, अगर अदिति ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे बिजनेस में, अदिति 5 लाख रुपीज़ क्यों इन्वेस्ट कर रही है, ताकि 5 लाख रुपीज़ के पैसे डबल हो जाए, क्या हो जाए, 5 लाख के 10 लाख रुपये हो जाए, 50 लाख रुपये हो जाए, जो भी चीज़ है, प्रॉफिट कमाने के लिए। मुझे एक बात बताओ, अदिति ने इस 5 लाख रुपीज को कितने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 5 लाख के कितने पैसे हो गए, ये एक्चुअली में पता है कब पता चलेगा, कोई बता सकता है?
कि भाई 5 लाख रुपए जो अदिति ने स्टार्टिंग में लगाए थे, उस 5 लाख रुपए के अदिति को कितने पैसे मिले, कितने पैसे 5 लाख के मिले, मैं बताऊं कब पता चलेगा? जब ये बिजनेस एंड हो जाएगा, मतलब ये बिजनेस क्लोज हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ कि भाई अदिति ने अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, क्या बोला मैंने, अदिति ने अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, इस 5 लाख रुपए को उसने कितने में कन्वर्ट कर लिया? 5 लाख के 10 लाख हुए, 15 हुए, 20 हुए, एक्चुअल वैल्यू कब पता चलेगी? जब वो बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ या ना भाई, जब बिजनेस शुरू किया था तो 5 लाख रुपए लगाए, बिजनेस जब बंद किया तब उसके पास मान लो 18 लाख रुपीज आए। कितने आए? 18 लाख रुपीज। भाई आप तभी तो बोल सकते हो कि भाई अदिति ने बिजनेस से 13 लाख रुपए कमाए। बोलो हाँ या ना, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा, होगा तो ऐसा ही भाई, होता तो ऐसा ही है ना कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप 5 लाख लगाए हैं तो 5 लाख के बिजनेस खत्म होने पे 13 लाख हुए, 18 लाख हुए, तो 13 लाख का। लेकिन 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 दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? अब मान लो ये एंड आपको पता ही नहीं है, मान के लो आपको पता ही नहीं है। क्या आपको पता है कि आज अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बिजनेस बंद कब करोगे? नहीं ना। कोई भी इंसान बिजनेस जब शुरू करता है तो ये सोच के तो नहीं करता कि 6 महीने बाद बंद कर दूंगा, नहीं ना, तो ये तो नहीं पता। तो अब बात ये है, कि मान लो आप अगर बिजनेस में कुछ गलतियां कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो बिजनेस जब बंद हुआ तो पता चला कि भाई उस 5 लाख के सिर्फ 5 रुपए ही बचे हैं, ठीक है? क्या पता चला कि 5 लाख रुपए के 5 रुपए बचे हैं, सिर्फ 5 रुपए बच गए। अच्छा भाई क्यों? क्योंकि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब बिजनेस एंड हुआ उसके बीच में इतनी गलतियां करी, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कितनी गलतियां करी। इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए आपका एक कॉन्सेप्ट आया, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार देखो, हमने माना, क्या माना, कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस के बंद होने के बाद पता चलेगा, लेकिन भाई तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तो जो भी आपके बिजनेस की लाइफ है, मान लो ये बिजनेस की लाइफ है, इस बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में, कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है भाई, छोटे छोटे इंटरवल्स में चेक करते रहो कि आप बिजनेस कैसा कर रहे हो, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हैं आपका 1 ईयर का टाइम इंटरवल, ठीक है? नॉर्मली नॉर्मली क्या है, 1 ईयर का टाइम इंटरवल है जो आपका शुरू कब होता है, जो आपका शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को, 12 महीने का। तो आपने क्या सोचा कि भाई मैं हर एक साल के बाद, हर 12 महीने के बाद क्या करूंगा, हर 12 महीने के बाद ये चेक करूंगा कि भाई मैंने इस साल परफॉर्म कैसा किया। मतलब आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आप चेक करोगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब आप चेक करोगे कि भाई सब तंदुरुस्त है या नहीं है, बैलेंस शीट कैसी है। तो आप क्या करते हो, इसलिए ईयर एंड पे चेक करते हो कि भाई इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल मेरे एसेट्स कितने हैं, इस साल मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, राइट? तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपके बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना। छोटे छोटे इंटरवल्स मतलब फाइनेंशियल ईयर, जैसे कुछ कुछ कंट्रीज है जहाँ पे 15 महीने का एक टाइम इंटरवल होता है, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बात समझ में आ गई? अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं, पता है आपको, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्वार्टरली, क्या करती हैं, जो क्वार्टरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। सुना है किसी ने कि क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, ही क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कौन सी कंपनीज होती हैं वो, जिसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है, उनको हर 3 महीने में जानना है, उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको 1 साल का टाइम इंटरवल भी ज्यादा लगता है। देखो ईयर एंड पे 31 मार्च को, 31 मार्च को तो उनको पूरे साल की बनानी ही होती है, लेकिन वो हर 3 महीने में भी बनाते हैं कि इन 3 महीने में उन्होंने कैसा किया। नहीं, आदर्श कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है,
मर्जी नहीं होती, कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि भाई उनको बनानी बनानी है। हाँ जी जल्दी से बताओ, क्लियर है एवरीवन? ठीक है देखो एक बार फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं, आ जाओ। राइट ठीक है, देखो क्या बोला गया, इसको बोला गया है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि भाई 12 महीने का एक पीरियड। एज पर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न को पढ़ेंगे। ठीक है तो गोइंग कंसर्न में आपको छोटा सा एक क्या दे देता हूँ, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। यस, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, राइट आदर्श, तो जो लिस्टेड आपकी कंपनीज होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वगैरह हैं उनको बनानी होती है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न का मतलब है देखो, गोइंग मतलब जो चलता रहेगा, और कंसर्न का मतलब यहाँ पे बिजनेस है। कंसर्न का मतलब क्या है, बिजनेस, इसको और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जो बिजनेस, जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, वो बिजनेस चलता ही रहेगा, आप यही मान के चलते हो। ठीक है, ओनर का कोई इंटेंशन नहीं होता कि भाई मैं आज बिजनेस चालू कर रहा हूँ, दो महीने बाद बंद कर दूंगा। ओनर का कोई इंटेंशन नहीं होता। आप जब किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये मानकर चलोगे कि बिजनेस आगे कंटिन्यू होने वाला है। याद है बैंक ने 5 साल का लोन दिया था, क्यों? क्योंकि बैंक ये मानकर चला था कि ये बिजनेस अभी 5 साल तो कम से कम और चलेगा ही चलेगा। दैट इज गोइंग कंसर्न, और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है तो एज पर गोइंग कंसर्न एन इनडेफिनिट लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज एज्यूम। इनडेफिनिट मतलब आपको पता ही नहीं है कितनी लाइफ है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारी कंपनीज का नाम आपको पता होगा, टाटा की अगर हम बात कर ले, हम रिलायंस की बात कर ले, राइट, जाके सर्च करना वो कब से चल रही हैं, कब से चल रही हैं। जिन्होंने स्टार्ट की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आगे वो कंटिन्यू होती जा रही है, होती जा रही है, वो बिजनेस बंद नहीं हो रहा। रिलायंस हो, टाटा हो, या बिरला हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी। ठीक है राइट, फॉर अ बिजनेस एंटिटी इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। ठीक है तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला कि अगर एक टेक्सटाइल मिल है, कोई भी बिजनेस हो लास्ट फॉर 100 साल, अगर वो 100 साल चली तो इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस ओनली एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। भाई ऐसा थोड़ी कि 100 साल के बाद देखोगे, ओ जो पहले साल में पैसा लगाया था आज 100 साल बाद कितना हो गया, भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है तो इसीलिए अ स्मॉल बट वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज चूजन आउट ऑफ फाइनाइट लाइफ साइकिल। वही सेम बात है, ये बोल रहा है कि भाई लाइफ को, जो बिजनेस की लाइफ है, उसको छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया गया, और वो स्मॉल इंटरवल्स को आप फाइनेंशियल ईयर बोलते हो। जनरली 1 ईयर पीरियड इज टेकन अप फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, इट मे ऑल्सो भी 6 मंथ्स और 9 मंथ्स और 15 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज में अलग अलग भी होता है। इंडिया में नॉर्मली आपका फाइनेंशियल ईयर 1 साल का चलता है। दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ कुछ चीज़ें और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 अप्रैल 31 मार्च, राइट। अब इसकी वजह से, क्योंकि आप 12 महीने का आपने पीरियड कर लिया, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आए। कौन से कॉन्सेप्ट्स? एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सी बात करें, एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका हो गया एक मंथ। कौन सा मंथ? मान लो ये मार्च का मंथ है। आपने 15th मार्च को, मान लेते हैं किसी बच्चे ने जो ट्यूशन ज्वाइन किया, मेरी कोचिंग ज्वाइन करी 15th मार्च को, ठीक है, तो अब वो कोचिंग की जो फीस है मैं क्या करता हूँ, मंथ के एंड में लेता हूँ। मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, मंथ के एंड में लेता हूँ, ठीक है। अब बीच में क्या आया, 31st मार्च, जो मंथ कंप्लीट होगा वो मंथ कब कंप्लीट होगा, 15th ऑफ अप्रैल को। अब देखो आपको पता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो 31st मार्च तक की करनी होती है, राइट। अब 15th मार्च से 31st मार्च मैंने 15 दिन तो सर्विसेज दी है, बोलो हाँ या ना, 15 दिन मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप बताओ, पढ़ाया ना, 15 दिन पढ़ाया, लेकिन क्या मुझे उसके पैसे मिले, पैसे मिले क्या मुझे उसके, क्या मुझे 15 दिन के पैसे मिले क्या? नहीं। मुझे पैसे कब मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे 15th ऑफ अप्रैल को, क्योंकि मैं पैसे कब लेता हूँ, महीने के एंड में लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने जो 15 महीने की सर्विसेज दी है, हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में कि आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हो। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो जब आप सर्विसेज दे देते हो। सर्विसेज दे दी आपने गुड्स सेल कर दिए, तो मैंने क्योंकि 15 दिन की सर्विसेज दे दी है तो 31st मार्च को मैं 15 दिन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूँ, जिसको मैंने क्या बोला, एक्रूड रेवेन्यू। ये हम अकाउंटिंग टर्म्स फ्यूचर में 3rd चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे।
तो ये क्यों आया? क्योंकि मैंने अपने बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर दिया, उसकी वजह से आया. ऑफ कोर्स एक रीजन वो भी हो गया. बात समझ में आई? यस एवरीबडी, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया. राइट आया, ठीक है. यस आदर्श, बिल्कुल. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सारे बिजनेस 12-12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, 12-12 महीने की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि हाँ इस साल इस बिजनेस ने कैसा किया, इस साल उस बिजनेस ने ऐसा किया. आप एक बिजनेस का एक साल का परफॉर्मेंस पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हो कि इस साल इसने कैसा किया, पिछले साल इसने कैसा किया था, है ना, कि क्या बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, क्या बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्या ग्रोथ अच्छी है या नहीं है. ऑफ कोर्स कर सकते हो. बात समझ में आ गई? राइट ठीक है. उसके बाद क्या है कि यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब क्या बोला गया कि भाई जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे आगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में, कि जिस तरीके से आपने इस 12 महीने की अकाउंटिंग करी है वैसे ही आपको अगले 12 महीने में भी करनी है. चेंज मत करते रहना, चेंज मत करना भाई कि भाई इस टाइम मैंने डेप्रिसिएशन किसी और तरीके से कैलकुलेट किया, अगले साल मैं किसी और तरीके से कैलकुलेट करूंगा. नहीं, राइट तो जैसे आपने इन 12 महीने में किया है अगले 12 महीने में वैसा होना चाहिए. बिल्कुल. मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस. तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि इस 12 महीने में आपने रेवेन्यू कितना अर्न किया, और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो खर्चे करे हैं उसको मैच करते हो, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे. तो ये बेसिकली क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि आपने अपने बिजनेस की लाइफ को 12-12 महीने में डिवाइड कर दिया है. यस, जल्दी से बताओ क्या तीन कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस करे हैं, उन तीन कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई डाउट है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर एकदम? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग हो जानी चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कि भाई बिल्कुल कुछ भी पूछ ले कोई, आपको पता हो. यस, नो डाउट. ओके देन, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं इसको. ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, तो समझना इसको. जितना आज हमने कर लिया इसको, आज आपको क्या करना है, बस इतना ही. आपको घर से स्टडी मटेरियल आपके पास है ही, वहाँ से आपको करना है. ठीक है, ओके ओके गाइज, बाय 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 एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, मिलते हैं आपसे कल. टाटा.